जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है, आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की अंधेरी पर आसमाने जो लिखा तार ना नगर जाए आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, जी मैं जानती हूं कि वो जा चुके हैं और शायद कभी नहीं आएंगे। खान साहब, मेरी वजह से आपकी बहुत बदनामी हो रही है, लोग आपकी परहेजगारी पर शक कर रहे हैं। अगर मैं यहां से नहीं गई तो बात बहुत बढ़ जाएगी। पंडित, अल्लाह हमारी परहेजगारी का गवाह है। ये शमशेर राज की पत्नी का सर है, एक खुददार औरत का सर जो कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। तो फिर मैं क्या करूं भाभी जान? डटकर लोगों का मुकाबला करो। जब तुम्हारे जमीर में कोई बोझ नहीं तो तुम्हारे दिल में कोई डर भी नहीं होना चाहिए। जो आपने बजट बताया था उसमें ये बेस्ट डील है। मुझे पसंद है। मेरे फैसले मेरा अल्लाह करता है। अरे? मैं अब यहां से नहीं जाऊंगी। आपका क्रेडिट कार्ड कैंसिल हो चुका है। What? अभी तो ये शुरुआत है कमल चोपड़ा, सिर्फ शुरुआत। इसे शमशेराज की तरफ से तोहफा समझकर कबूल कर लो। आज 2 हफ्ते हो गए, ना कोई उसका फोन आया ना कोई उसकी खबर है। थोड़ा और वक्त गुजरने दो, जमाने की गर्म हवा खाएगा, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तब तक बहुत देर हो जाएगी जी। वो नादान है मगर हम तो समझदार हैं। आप उसे तलाश क्यों नहीं कर लेते? वो अपनी मर्जी से गया है, वो अपनी मर्जी से लौटेगा। ऐसे नाजुक मौके पर आपको जिद नहीं करनी चाहिए जी। वो हमारा इकलौता बेटा है, इस घर का चिराग है, हमारे बुढ़ापे का सहारा है। वो इस घर से क्या गया, सारी रौनक ले गया। आप अपना मन इतना कठोर मत कीजिए जी। क्या आपको विशाल की याद नहीं आती? तुम हमारी खामोशी को संदिली समझ बैठी हो गायत्री। हम उसके बाप हैं लेकिन हम अपने असूल के हाथ मजबूर हैं। हम उसे ढूंढने नहीं जाएंगे। Thank you.
हेलो रियाज, हाँ मैं कमल बोल रहा हूँ। मेरा टेलीफोन डिस्कनेक्ट हो गया है। नहीं नहीं, शुक्र है मोबाइल तो ठीक है, मगर घर का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, तो मुझे कुछ पैसे और चाहिए, बस यही कोई 8-10 हज़ार। ओके, मैं ऑफिस आकर ले लूँगा। ओके, थैंक यू रियाज, थैंक यू वेरी मच। ये मैं क्या सुन रहा हूं, विशाल पुत्र घर छोड़ के चला गया है? तूने ठीक सुना यार, लेकिन क्यों? तू तो जानता है मेरे यार, उसके और हमारे बीच में तनाव की एक ही वजह है, असूलों की टक्कर। समझ गया, जरूर तूने फिर कोई अड़दर में दिखाई होगी, उसने मानने से इनकार कर दिया होगा और तूने उसे घर से निकल जाने को कहा होगा, वो बेचारा चला गया। वो तेरे कहने का मतलब है कि सारा कसूर हमारा है? बिल्कुल, हर मुसीबत की जड़ तेरी जिद है शमशेरा, अगर तू अपनी जिद छोड़ देना यार, तो तेरा खानदान सुखी हो जाएगा। और गुले तू अपनी नसीहत अपने पास रख, तू मेरा हाल नहीं जानता, जब भी से बात करो नसीहत देता रहता, नसीहत देता रहता। रोला मार्केट ले चलोगे? आ जाएगा। कितने दिरहम? 5 दिरहम। 3 दिरहम में ले चलो ना। 5 रुपए से कम नहीं जाएगा सर। 3 दिरहम में सभी ले चलते हैं, इधर से 5 रुपए है। अच्छा ठीक है। साहब, आपने शमशेर भाई के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। आप शमशेर को नहीं जानती हैं सर अभी भी, मैं उसे 40 वर्ष से जानता हूं, और मैंने जो किया ना बिल्कुल ठीक किया है। अगर विशाल घर छोड़कर चला गया है तो क्या उसके जिम्मेदार शमशेर भाई हैं? बिल्कुल, वो शख्स अपनी जिद अपनी अना क्या तो इतना मजबूर है कि अपनी औलाद को परेशान करने से भी बाज नहीं आता, पछताएगा, एक दिन बहुत पछताएगा। वो अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करते हैं खान साहब। कौन सा एहसान करते हैं? और शायद तुम ये नहीं जानते कि वो शख्स अपनी औलाद से ज्यादा खुद अपने आप से मोहब्बत करते हैं। कैसी बात करते हैं आप खान साहब, आप उनसे एक बार मिल तो लीजिए। मैं मिल के क्या करेगा? अरे इस वक्त उन्हें आपकी बेहद जरूरत है, विशाल घर छोड़कर जा चुका है, तो क्या ऐसे में आप भी उन्हें अकेला छोड़ देंगे? खान साहब, आपकी और शमशेर भाई की दोस्ती बेमिसाल है, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की तरह, आप उन्हें एक बार फिर से समझाइए तो सही। मैं समझा समझा के थक चुका है। खान साहब, भला दोस्ती से भी कभी कोई थकता है? और सुनाओ विशाल, क्या हो रहा है? बस खूब जमकर पेंटिंग्स कर रहा हूँ सर। ओह वेरी गुड वेरी गुड, मैं जानता था कि तुम अपने फन से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते, क्योंकि तुम इसके बगैर जी नहीं सकते। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर मैं आपको अपनी पेंटिंग्स दिखाना चाहता हूँ, आपकी राय जानना चाहता हूँ।
उम्मीद है इस बार आप सच्ची राय देंगे बगैर किसी लगी लिपटी के। विशाल, कल एग्जीबिशन में मैंने तुम्हारी पेंटिंग्स देखी हैं। अच्छा, बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, रंग बहुत खूब है, रंगों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन तुम्हारी तस्वीरें गूंगी हैं, बेजुबान है। क्या मतलब सर, मैं समझा नहीं। यूं समझो वो ऐसे जिस्म हैं जिनमें रूह नहीं है, उनमें जो दर्द, जो कसक, जो खलिश होनी चाहिए थी, उनसे वो खाली है। तुम्हारे अंदर का कलाकार या तो सो गया है या फिर मर गया है, न जाने क्यों। शमशेरा यार, गुल को माफ कर दे यार, फिर गुस्से में आके अनाप शनाप बक गया। लेकिन तू तो अकलमंद है ना, इस गुस्से को थूक दे और अपने यार को माफ कर दे, कर देना यार। देख, हकीकत ये है कि गुल आजकल बहुत परेशान है, मेरा अकल काम नहीं करता है, मेरी रातों की नींद, मेरी भूख, मेरी प्यास सब मर गई है। क्या हुआ तुझे? बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन पहले तू ये बता कि विशाल पुत्र की कोई खबर मिली? नहीं यार, अभी तक कोई खबर नहीं आई उसकी। मेरी तो समझ में नहीं आता यार, तुम दोनों के झगड़ा किस बात पे हुआ है? वो तू तो सबको जानता है यार, विशाल की शराब पीने की लत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। अस्तगफुरुल्लाह, हमें नजरअंदाज किया था ये सोच करके ठीक हो जाएगा, संभल जाएगा, रास्ते पर आ जाएगा, लेकिन इतना नेक लड़का, यार बहू ने भी समझाने का कोशिश नहीं किया। अरे बहू क्या समझाएगी उसे, बहू से तो वो बात भी नहीं करता। तू नहीं जानता, उसने बहू को अभी तक पत्नी भी नहीं बनाया। आला पता, ये नाइंसाफी नहीं है यार। विशाल से ऐसा बेवकूफी का उम्मीद तो नहीं था मुझे। हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, पराई बेटी को हम अपने घर लाए हैं, बेचारी रोज रोती रहती है, कुड़ती रहती है यार, हम कब तक देखते। इसी का सबक सिखलाने के लिए हमने विशाल को जाने से नहीं रोका, नहीं रोका हमने। नहीं रुकना आ रहा हूं, गुलखान, गुलखान जरा बाहर आइए। तू भैया क्या कर रहे है? मुबारकबाद देने आया हूं भाई, अंदर नहीं बुलाएंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, चला जा यहां से। तोहफा देने आया हूं, बुलाइए उन्हें। किसका बात कर रहे तू? उसी औरत की जिसे अपने पहलू में बिठाकर इस बुढ़ापे में आप सटिया गए हैं। ज़बान को लगाम दे ज़लील, वरना खुदा का कहर तुझ पे बरसेगा। कहर तो बरस रहा है गुलखान, सारे शहर में आपकी अय्याशी के चर्चे हो रहे हैं। आपकी परहेजगारी, आपकी ये शराफत एक ढोंग है जिसकी आड़ में आप और ये औरत रंगरेलिया मना रही है। कमाल, लानत है आप दोनों को। सर बीबी, सर बीबी नहीं, हाथ मत लगाइए। सर बीबी
तुम इस कदर चुप क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। कुछ कहना चाहती हो? कहो। इस खामोशी से हमें डर सा लगने लगा। बहू कई दिनों से कह रही थी कि वो बिजनेस की जिम्मेदारियां संभालना चाहती है। बिजनेस? बिजनेस की जिम्मेदारी संभालना चाहती है? वो क्या करेगी? जो आप कहेंगे आप उसे सिखाइए, वो सीख जाएगी। उसने बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी तो किया है। लेकिन तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि हम अपने घर की बहू बेटियों को बाहर नहीं जाने देते। मैं जानती हूँ, लेकिन हालात ठीक होते तो मैं खुद उसे मना कर देती, लेकिन घर में बैठी रही तो सोचते सोचते वो और परेशान हो जाएगी, अकेलापन उसका दुश्मन हो जाएगा। मसरूफ रहेगी तो उसका दिल बहल जाएगा। हमने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। कुप्पे जी, बाबू जी, पूर्णिमा को बुलाओ। जी अच्छा। बाबूजी, आपने मुझे बुलाया। बैठो बैठो। हम नहीं चाहते कि हमारे घर का चांद गम के साए में बैठे बैठे गहना जाए। जी मैं समझी नहीं। अब हमारी उम्र हो गई है, हम चाहते हैं कि कोई हमारा हाथ बटाए, हमारे धंधे की देख रेख करे। जी तुम कल सुबह से दफ्तर जाना शुरू कर दो। ज्वाइन द ऑफिस एग्जैक्टली एट 9 o'clock। हम स्ट्रिक्टली फॉर पंक्चुअलिटी 9 o'clock। यस सर। यूं समझो वो ऐसे जिस्म हैं जिनमें रूह नहीं है। तुम्हारे अंदर का कलाकार या तो सो गया है या फिर मर गया है, न जाने क्यों। सब कुछ छीन के ले गई मेरा, सब कुछ, मेरा सुकून, मेरा चैन, मेरा प्यार, मेरा बच्चा, सब कुछ। एक कलाई तो बची थी मेरे पास। काश काश तुम उसे नहीं ले जाती। भारती, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा मैं? आरती बोलो, आरती बोलो, बोलो।